हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपका संजय गुप्ता क्लासेस में। मैं संजय गुप्ता, व्याख्याता सेठ प्रभुदयाल राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय टेवा वसई। और पिछली क्लास में हमने फलन की थोड़ी सी चर्चा कर ली थी कि फलन किसे कहते हैं, उसके क्या क्या शर्तें हैं, उसमें क्या क्या शब्द अपन काम में लेते हैं। आज अपन फलन के विशेष प्रकार उनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक चीज अपने को ध्यान में रखना है कि फलन के प्रकार जो है उसमें फलन के प्रांत की कोई भूमिका नहीं है। फलन का जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो सब के सब डिपेंड करेंगे कि सह प्रांत में क्या हो रहा है, परिसर के अंदर जो है वो किस तरह का परिसर है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फलन किस तरह का है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रांत के जो अवयव है वो सारे काम में आने हैं, तो परिसर जो है और सह प्रांत है उनके बीच में क्या सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फलन का प्रकार बताएंगे। तो चार फंक्शंस हैं, चार तरह के फलन अपन शब्द काम में लेंगे। एकैकी फलन, दूसरा कोई फलन एकैकी नहीं है तो वो कहलाएगा बहुएकी फलन, यानी या तो फलन एकैकी है या फलन बहुएकी है, तो ये दोनों एक ग्रुप में ले लें अपन। दूसरा ग्रुप है हमारा आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, तो या तो आपका फलन आच्छादक होगा या आपका फलन अंतरक्षेपी होगा, इनटू होगा। फिर इनमें हम पेयरिंग कर सकते हैं कि एकैकी के साथ में आच्छादक है या अंतरक्षेपी है, बहुएकी के साथ में आच्छादक है या अंतरक्षेपी है। यानी हमारे पास में दो जोड़े हैं, एक एकैकी बहुएकी, कोई भी फलन एकैकी होगा या बहुएकी होगा। आच्छादक अंतरक्षेपी, कोई फलन आच्छादक होगा या अंतरक्षेपी होगा। तो सबसे पहले एकैकी फलन से हम शुरू करें कि एकैकी फलन का मतलब क्या है। एकैकी फलन तो एफ ए से बी के बीच में हमने परिभाषित किया, यह एकैकी है। एकैकी है यानी वन वन है यदि कोई भी दो अवयव हम लें एक्स वन और एक्स टू, तो यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यानी अगर इमेज बराबर है तो प्री इमेज भी बराबर होंगी। कोई भी फलन एकैकी कहलाएगा यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी इमेज बराबर है तो प्री इमेज भी बराबर होंगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी परिसर में ऐसा अवयव नहीं हो सकता जो प्रांत के दो अवयवों से जुड़ा हो। अगर मैं इसको सिंपल डायग्राम के वे से समझाऊं तो जैसे ये प्रांत है, ये परिसर है, सह प्रांत मान लीजिए इसे, ए से बी के अंदर हमने फलन परिभाषित किया है, इसमें x1, x2, x3, x4, यहां पे y1, y2, y3, y4, x1, x2, x3, x4। कोई भी दो अवयव ऐसे नहीं है जो एक ही अवयव से जाकर के जुड़े हों। दूसरी सिचुएशन इसी के अंदर, ये भी हम कह सकते हैं कि x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 और y5। y5 किसी से भी नहीं जुड़ा है, यानी सह प्रांत के ऊपर केवल ये शर्त अपने को रखनी है कि सह प्रांत का कोई भी अवयव प्रांत के एक से अधिक अवयव से ना जुड़े। यदि सह प्रांत का अवयव परिसर में है तो उसके दो पूर्व प्रतिबिंब न हो। तो ये जो शर्त है ये होती है एकैकी के लिए। और एकैकी का यदि हम उल्टा लें तो इसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा और ये बन जाएगा बहुएकी, यानी कि मैनी वन। बहुएकी क्या कहेंगे, एकैकी में हमने कहा कि सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो जिसके दो पूर्व प्रतिबिंब हो, जो
एक के दो या दो से अधिक अवयव से जुड़े। यदि इसको हम उल्टा कर दें और हम ये कहें कि सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसके दो पूर्व प्रतिबिंब हो, जहां आप देख रहे हैं कि मैंने Y1 को X1 और X2 से जोड़ दिया, तो सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा है जिसके दो या दो से अधिक पूर्व प्रतिबिंब है, तो ये कहलाएगा बहुएकी फलन। तो जैसे FX1 इज इक्वल टू X2 बट X1 इज नॉट इक्वल टू X2, यानी X1 और X2 दोनों समान नहीं है लेकिन दोनों का प्रतिबिंब समान है, दोनों एक ही अवयव से जाकर के जुड़ रहे हैं, तो ऐसा फलन कहलाएगा बहुएकी फलन। जैसे जो वर्ग के फलन है, जैसे अपन कहें कि जेड से जेड के अंदर एक फलन हम लें FX=X², तो अपन देखते हैं कि +2 है वो भी 4 से जाके जुड़ेगा और -2 है उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, तो ये कैसा फलन है, बहुएकी फलन। और यदि मैं इस X² को बदल दूं X³ में, तो आप देखेंगे कि +2 है वो जाकर के किससे जुड़ेगा, 8 से, -2 किससे जाकर के जुड़ेगा, -8 से। यानी किसी भी संख्या का घन हम जानते हैं अद्वितीय होता है, कोई भी दो संख्याएं ऐसी हमें नहीं मिल सकती जिनका घन समान हो, तो ये जो फलन है घन करने वाला ये एकैकी फलन है। यदि जेड से जेड में मैं X² कर दूंगा तो ये बहुएकी फलन हो जाएगा। तो ये एकैकी और बहुएकी फलन हो गए। इसके बाद में हम अगले दो फलन हैं उनकी चर्चा करेंगे, और इनमें से पहला मैं ले रहा हूं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन से हमारा अभिप्राय क्या है, बहुत ही सिंपल है कि यदि FX जो है, FX यानी परिसर के जितने भी अवयव हैं वो सब मिलकर के B के बराबर हो जाएं, B हमारा सहप्रांत है, तो परिसर के सारे अवयव मिलके यदि सह प्रांत के बराबर हो जाएं तो हम क्या कहेंगे कि सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब न हो, यानी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव एक के किसी न किसी अवयव से जुड़ा है, तो इस प्रकार का जो फलन है वो आच्छादक फलन कहलाएगा। आच्छादक फलन को यदि डायग्राम से देखें हम तो दो केस बना सकते हैं, जैसे X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, ये आच्छादक हो गया, और यदि इसमें X4 और जोड़ दूं मैं और Y3 को X3 और X4 दोनों से जोड़ दूं तो ये भी आच्छादक है। आच्छादक के लिए अपने को ये देखना है कि हमारा जो सहप्रांत है उसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब ना हो। जैसे एक उदाहरण हमने लिया था पिछले वीडियो के अंदर कि आपके पास में ए है कक्षा 12 के विद्यार्थी और बी आपने लिया था नेचुरल नंबर, और फलन था XY X का रोल नंबर है, YX का रोल नंबर है, तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या अनंत है, हर प्राकृत संख्या के लिए एक विद्यार्थी हमें नहीं मिल सकता जिसका रोल नंबर वो प्राकृत संख्या हो। यदि क्लास में 50 विद्यार्थी हैं तो हमने संख्या ले ली 51, 51 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। लेकिन यदि जितने क्लास के विद्यार्थी हैं उसमें हम एन की बजाय उतनी ही संख्या ले लें, जैसे मैंने संख्या ले ली 1 से लेके 50 तक, तो हर संख्या का एक पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा, हर संख्या के लिए एक पूर्व विद्यार्थी अपने को मिल जाएगा, तो ये अब आच्छादक बन गया। तो आच्छादक की शर्त अपने को समझ में आ गई, और आच्छादक के लिए अपने को ये ध्यान में रखना है कि परिसर है वो सह प्रांत के बराबर होता है, ये आच्छादक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आच्छादक का यदि मैं उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा अंतरक्षेपी फलन। अभी हमने उदाहरण लिया था वो इसके लिए पर्याप्त है। अंतरक्षेपी फलन क्या कहता है कि जो परिसर है
वो उचित उपसमुच्चय है बी का, यानी उपसमुच्चय सॉरी यानी सह प्रांत बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो परिसर में शामिल नहीं है, यानी सह प्रांत बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो वो फंक्शन कहलाएगा अंतरक्षेपी फलन। जैसे अभी हमने जो उदाहरण लिया था उसमें बी को यदि हम प्राकृत संख्या माने तो हम कहेंगे कि एन के अंदर बहुत सारे ऐसे अंक हैं जिनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जैसे क्लास में अगर 50 विद्यार्थी हैं तो प्राकृत संख्याएं तो अनंत हैं, 51, 52, 53, इन सब के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, तो वो फलन कैसा कहलाएगा? अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन को यदि मैं डायग्राम से बनाऊं तो सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा, x1, x2, x3, और इसमें मान लीजिए y1, y2, y3। y3 किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया ये? अंतरक्षेपी फलन। इसके बाद में सामान्यतः फलन हम जोड़े में लेते हैं, एक एक ही साथ आच्छादक पूछा जाता है या अंतरक्षेपी पूछा जाता है। कि किसी भी फलन की जांच कीजिए कि वह एक एक ही आच्छादक है या एक एक ही अंतरक्षेपी है, बहु एक ही आच्छादक है या बहु एक ही अंतरक्षेपी है। तो आसानी से हम कर सकते हैं ये। जैसे अगर एक एक ही आच्छादक पूछा जाता है तो हम जांच करेंगे कि f(x1) अगर f(x2) है तो हमें क्या मिलना चाहिए? x1 = x2। तो ये तो एक एक की जांच हो गई, साथ में आच्छादक की हम जांच करते हैं। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि यदि b कोई भी एलिमेंट मैंने सह प्रांत में से लिया है तो एक ऐसा अवयव ए मुझे ए में से मिलना चाहिए प्रांत में से कि f = b हो। यानी कि सह प्रांत का कोई भी अवयव मैं लूं उसका पूर्व प्रतिबिंब मुझे प्रांत में मिलना चाहिए, तो यह हो जाएगा आच्छादक। और अंतरक्षेपी और बहुएकी के लिए, तो यदि एकैकी नहीं है तो वो बहुएकी है, यदि आच्छादक नहीं है तो वो अंतरक्षेपी है। अब कुछ डायग्राम के माध्यम से भी अपन अभ्यास कर लेते हैं इस चीज का, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये ए है, ये बी है, x1, x2, x3, y1, y2, y3। कौन सा फलन हो जाएगा ये? y के सभी एलिमेंट काम में आ रहे हैं, y1, y2, y3, तो ये आच्छादक है। x के जितने भी एलिमेंट हैं x1, x2, x3 सभी अलग अलग से जाकर के जुड़ रहे हैं, तो ये एकैकी है। यदि इसमें मैं y4 को शामिल कर देता हूं तो y4 किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, अब ये क्या बन गया? अंतरक्षेपी फलन। यदि मैं इसमें x4 को शामिल कर देता हूं और x4 को y3 से जोड़ देता हूं तो अब ये कहलाएगा बहुएकी अंतरक्षेपी फलन, क्योंकि y3 है उसके दो पूर्व प्रतिबिंब हो गए x3 और x4, इसलिए ये बहुएकी है। और y4 किसी से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए ये अंतरक्षेपी है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये चारों जो फलन है समझने में बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें इनकी परिभाषाएं अपने जहन में उतार लेनी चाहिए कि एक एक ही फलन का मतलब है कि सह प्रांत का कोई भी अवयव एक से अधिक अवयव से नहीं जुड़ेगा। बहुएकी का मतलब है कि सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत के एक से अधिक अवयव से जुड़ेगा। आच्छादक का मतलब है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव किसी न किसी प्रांत के अवयव से जुड़ेगा। और अंतरक्षेपी का मतलब है कि सह प्रांत में कम से कम एक अवयव है जो प्रांत के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सह प्रांत से प्रांत में जाएंगी, जो चारों की शर्तें हैं वो सह प्रांत की स्थिति प्रांत के सापेक्ष कैसी है उस पर डिपेंड करती है। आप इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिए उसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लगातार बने रहिए। इसके बाद में
हम अगला टॉपिक लेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे जिससे कि ये चीज और भी स्पष्ट हो जाए, फिर संयुक्त फलन के ऊपर हमारा अगला वीडियो रहेगा। और देखने के लिए धन्यवाद।